أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته क्या हाल है आप सबके इस वक्त हम अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के ऑफर किए हुए कोर्स जो कि तहसील ग्रामर का लेवल वन का कोर्स है इस पर थोड़ी सी बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं आऊद बिल्लिशन बसमीम अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दो हफ्ते से हमने तामीर ऑनलाइन के सेटअप से बैच टू ऑफर किया अरबी ग्रामर का और कल इसका लास्ट डे ऑफ एडमिशन है तो कुछ आप बहने जो सवाल पूछ रही हैं जैसा कि तामीर के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर हमने पिन पोस्ट जो लगाई हुई है उसमें आपको दो लिंक दे दिए हैं उनमें से एक लिंक पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और एक लिंक के ऊपर आपको डिटेल में प्रोग्राम के ग्राउंड रूल्स दे दिए और वाज तौर पर हमने पोस्ट में लिख दिया है कि प्लीज पहले आप हमारी प्रोग्राम पॉलिसी हमारी कोर्स आउटलाइन और हमारे प्री रिक्वेज को अच्छी तरह पढ़ लीजिए और फिर कमिटमेंट कीजिएगा सो अल्हमदल्ला आप में से जो बहनें इंटरेस्टेड हैं वो तहसील लेवल वन के कोर्स में एडमिशन कल की डेट तक ले सकते हैं उसके बाद हम एडमिशन डेस्क को बंद कर देंगे का का लेवल कोर्स बेसिक अरबिक ग्रामर के ऊपर जो है वो डिजाइन किया गया है इसम को किस तरह से हम चार एंगल से समझते हैं सिर्फ इन छह महीनों में बहुत प्यार और मोहब्बत से आप ये सीखेंगे बैच वन हम कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिक्स मंथ्स का कोर्स है और बैच टू इसका जो है लेवल वन का हम इनशाला फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से ऑफर करने की तरफ जा रहे हैं जिसका कल एडमिशन का लास्ट डे है ये इस वक्त आपसे बात करने का मकसद आपको एक मोटिवेशन दिलाना है मैंने इसलिए टाइटल लिखा है तसीलोन के साथ आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है मोहब्बतों का सफर और आपको तस्वीर भी जो नजर आ रही है उसमें चढ़ाई है और सड़क जा रही है सो so, अलहमदुल्ला करना चाहे वो इल्म हासिल करना सिलाई के काम का हो आप कपड़ा सीखना बनाना सीख रही हैं आप निटिंग कर रही हैं आप एम्ब्रॉयडरी सीख रही हैं आप कुकिंग कर रही हैं आप किसी ऑफिस के अंदर जाकर जो है वो कोई कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में काम कर रही हैं आप कंप्यूटर स्किल्स सीख रहे हैं आप आई टी कोर्सेस कर रहे हैं आप दीन पढ़ रहे हैं वट एवर जो भी तालीम की तरफ आएगा स्कूल कॉलेज मदरसा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन वोकेशनल सेंटर इल्म हासिल करने में मेहनत होती है और मेरा बिलीफ है और अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज आपको आपके आ, दीन ने सिखाई है कि जब इल्म हासिल करने के साथ साथ आप मोहब्बत को पैशन को अटैच कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हासिल करने की जो सख्तियाँ होती हैं जो मेहनत होती है उनमें कोप करना आसान हो जाता है वो कहते हैं ना वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी लव इज एक्चुअली कॉल्ड अ पैशन जब आप शौक से कोई काम करते हैं तो आपको उस काम को करने का जी भी चाहता है और आप उस काम को बहुत अच्छी तरह करते हैं रोते धोते नहीं करते बल्कि आप अपनी बेस्ट एफर्ट डाल उस काम को करते हैं एक so, छोटा सा मोटिवेशन टॉक आज हम करेंगे इन इल्म हासिल करने की समझ लें एक इनक्रेजमेंट है जो मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूँ याहिया या बिन मआद रदी रहमत याहिया बिन मद वो कहा करते थे उनका कॉल आता है वो कहा करते थे इंसान के लिए या गफूलू या जहूलु

उन पेंस की आवाजें सुन लो उन कलम की आवाजें सुन लो अल्लाह तुम्हारा नाम आसमानों पर लिखवाता है जब तुम अपने रब को इस जमीन पर मेंशन करते हो ला शौकन इला मऊला का तुम तो आउट ऑफ लॉन्गिंग फॉर योर रब मर ही जाओ यानी सोचे ना कि इतना बड़ा होराइजन इतने सारे आसमान इतनी बड़ी जमीन उस जमीन पर सेवन बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन उसमें से एक मैं जब अपने रब का जिक्र करती हूँ तो मेरा नाम रब आसमानों पर फरिश्तों को लिखने के लिए कहता है बिग ऑनर और जब इंसान को अगर ये पता चल जाए कि अब इस वक्त जैसे मुझे और आपको पता चल जाए और हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इस वक्त फरिश्ते हमारा नाम इस वक्त आसमानों पर किताबों में लिख रहे हों कि अल्लाह की बंदियां इस वक्त जमीन पर अपने घर में बैठे इस तरह से आपकी बात कर रही हैं आपके कलाम का तस्करा कर रही हैं एक दूसरे को तालीम की तरफ और दीन की तरफ इंकरेज कर रही हैं तो कितना बड़ा ऑनर हमें महसूस हो तो यही चीज याहिया बिन माज ने अपने स्टूडेंट्स को कहे कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि जब तुम अपने रब का नाम मेंशन करते हो और वो आसमानों पर तुम्हारा नाम फरिश्तों से लिखवाता है तो तुम आउट तुम तो आउट ऑफ लॉन्गिंग मर ही जाओ अगर हमें उन पेंस की आवाजें आ जाए ना तो हम शौक से मर जाए या अल्लाह मेरा नाम फरिश्ते ने लिखा सोचे कहा कि अल्लाह हमारा नाम लेकर हमारा जिक्र करे फरिश्ते हमारा नाम लिखें, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। आजकल हम इंसान कुछ ऐसी कैटेगरी के, के हो गए हैं कि हमें अपनी नेमतों को ना बार बार अपने आप को याद कराना होता है कि ये नेमत है देखो ये है तुम्हारे पास मे, मेरे पास कई नेमतें छिन जाएं और इस वक्त मैं कितनी भी उदास बैठी हूँ आप में से कोई बहन ऐसे स्क्रॉल करते करते इस वक्त ये ऑडियो सुनने लग जाए वो परेशान थी वो गमजदा थी और कोई चीज उनकी जो थी वो उनको नुकसान दे गई किसी ने उनको हर्ट कर दिया बट ये सेंटेंस या ये नेमत अगर उनको इस वक्त कान पर आ जाए कि ये छिन गया ये चला गया उसने कदर नहीं की उसने परवाह नहीं की उसने सॉरी नहीं बोला उसने तकलीफ पहुंचा दी उसने अल्फाज से जख्मी कर दिया लेकिन एक नेमत कि जब मैं जुबान से सिर्फ अपने रब के कलाम को पढ़ूं, जब मैं अपने रब को सिर्फ याद करूं जब मैं सिर्फ अपने रब के कलाम को समझने की कोशिश करूं जब मैं सिर्फ अपने रब से तन्हाई में बातें करूं काम करते हुए अपने रब से कॉन्वर्सेशन करूं, तो आसमानों पर फरिश्ते मेरा नाम लिख लें। एंड इट इज सच नेमत। दुनिया की कई नेमतें जाने पर अगर आप अपने आप को इस नेमत का एहसास दिलाएंगी आप मेरी बात पर यकीन रखें आपको वक्ती तौर पर ही सही थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा थोड़ी सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगी थोड़ा आपको अपने अंदर एक करार आता हुआ चाहे चंद लम्हों का हो आपको जरूर महसूस होगा इसलिए कि हम इंसान हैं चंद लम्हों का इसलिए कह रही हूँ कि हम कोई फरिश्ते नहीं हैं कि हम कहें कि अच्छा अब मैं कभी भी उदास नहीं होंगी अच्छा जो अब मैं अब जो मैं कोर्स ज्वाइन कर लूंगी तो इसका मतलब है कि जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी नो इट इज़ नॉट लाइक दिस Definitely we are living in this world और ये दुनिया आजमाइशों की इम्तहान की जगह है हाँ हम एक दूसरे को हिम्मत दिला सकते हैं हम मुश्किल में कोपिंग मेकनिज्म सीख सकते हैं हम अपने रब के रास्ते पर चलते हुए उन मुश्किल को हैंडल बेहतर तरीके से करना जो है वो सीख सकते हैं इंसानों की जिंदगी जब तक हम जिंदा हैं तकलीफ तक से भरी हुई है मुश्किल से फ्लडेड है ये मैं क्यों कह रही हूँ इसलिए कह रही हूँ कि वी नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक कभी कभी हमें लगता है कि मैंने तो बड़ी मेहनत करके और कोर्स ज्वाइन कर लिया है अब कोई चीज जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होनी चाहिए हर चीज शुड गो वेरी स्मूथ क्योंकि मैंने रब की खातिर कोर्स ज्वाइन कर लिया है जी आपने रब की खातिर कोर्स ज्वाइन किया है बट ये दुनिया है जब तक सांसें चल रही है ना एक आजमाइश खत्म होती है तो दूसरा इम्तिहान खड़ा होता है एक इम्तहान खत्म होता है तो दूसरी मुश्किल इंतजार कर रही होती है अदीस का मफहूम यही बताता है कुरान की आयत यही बताती हैं सो वी नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट द एक्सप्लेन ऑफ दिस कुरान एंड हदीस तो मुश्किल हैं इंसान तकलीफ में होता है आजमाइशों में होता है एंड सीनियसली बाई डिफॉल्ट अल्लाह तुम मुझे और आपको ऐसा बनाया कि हम सुकून चाहते हैं तो so, मैं ये आपको बता दूं इस दुनिया में जिंदा रहते हुए आजमाइशें आएंगी कभी हालात की तरफ से कभी अपनों की तरफ से कभी अपने ईमान की तरफ से कभी जो है वो औलाद की तरफ से लेकिन इन सब मुश्किल में जो चीज आपको कॉन्स्टेंटली एम्पावर करेगी सुकून देगी पता है वो क्या है एक चीज एक नेमत एक नेमत जो आपको इन तमाम जिंदगी के हर्डल्स में जब आप उस नेमत को थामेंगी, जब आप उस नेमत को याद करेंगी, वो आपको स्ट्रेंथन करेगी और वो नेमत क्या है अल्लाह की मोहब्बत वाहिद नेमत है। लोग आपको ठोकरों पर ले आए लोग आपको आपकी कदर ना करें लोग आपका हक ना दें औलाद आपके हजार तरबियत के बावजूद हिदायत के रास्ते पर ना आए आपका स्पाउस आपको जो है वो अजियत पहुंचाए कभी अल्फाज से कभी फेशियल एक्सप्रेशन से कभी नामुनासिब गुफ्तु से कभी अपने बहन भाई आपको हर्ट कर दें आप लिख लें मेरी बात नेमा जो इन तमाम में आपको फिर से खड़ा कर देगा पता है क्या है अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह का कुर्ब अल्लाह का साथ मेरा और मेरे रब का ताल्लुक आप में से वो बहनें जो बार बार पूछ रही हैं कि हम ये कोर्स कैसे ज्वाइन करें और लिंक क्या है प्लीज अगर आप अभी सिर्फ मेरी बात पर फोकस करें तो इन मैं इसी आपके कमेंट बॉक्स में अपनी बात को मुकम्मल करने के बाद लिंक्स भी भेज दूंगी और आपको पोस्टर भी भेज दूंगी और आप लिंक्स पर जाकर सारी डिटेल देख सकते हैं बट राइट नाउ यू शुड गेट द मोटिवेशन दाई यू नीड दिस कोर्स सही कई रीजन हो सकती हैं किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के बट मेरे स्टूडेंट को क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन रखना है वो वही होगा जो मैं चाहूंगी कि जो मेरा मोटिवेशन है वो आप में भी हो द ओनली थिंग जो मुझे इस कोर्स को आप तक लाने में एक मोटिवेटिंग फैक्टर बना अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह का कुर्ब अल्लाह से ताल्लुक और यही चीज आप कोर्स करें या ना करें जरूरी तो नहीं है ना जितने लोग मुझे सुन रहे हैं कोर्स कर लें हो सकता है आपकी ऑलरेडी बहुत सी कमिटमेंट्स हो हो सकता है अभी आपका जीना चाह रहा हो बट पॉइंट ये नहीं है कि आप इस कोर्स के लिए मोटिवेशन रखें मैं तो आपको कह रही हूं आपकी जिंदगी को क्वालिटी देने के लिए रब की मोहब्बत वो वहीकल है जो आपको दोबारा से हिम्मत देकर खड़ा कर, कर देता है रब की मोहब्बत इंसान के कल्प को ठंडा कर देती है उसके दिमाग को रिलैक्स कर देती है याद रखिए जो अल्लाह की मोहब्बत में आंसू गिरते हैं ना आप सबको पता है मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पर आपकी और मेरी दो राय होंगी वो आंसू जिसके गिरने से इंसान कभी कर्ब और गम का शिकार नहीं होता वो आंसू सिर्फ वो होते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में गिरते हैं उससे माफी मांगते हुए गिरते हैं उससे इस्तार करते हुए गिरते हैं उससे मदद मांगते हुए गिरते हैं उसके रास्ते में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत डिमांड करने के लिए गिरते हैं अल्लाह की मोहब्बत हम जैसे टूटे फूटे कमजोर इंसानों को रिश्तों का एहसास दिलाती है एंड बिलीव में आफ्टर गोइंग थ्रू दीज सिक्स मंथ्स इनशा यू विल नॉट ओनली लर्न अरबिक ग्रामर अ पार्ट ऑफ अरबिक ग्रामर लर्न टू वैल्यू योर रिलेशनशिप नॉट ओनली यून टू वैल्यू योर रिलेशनशिप यून टू वैल्यू योर ईमान हाँ आप रिश्तों का एहसास सीखेंगी क्योंकि रब की मोहब्बत बैलेंस्ड करती है ना तो जहाँ रब की मोहब्बत रिश्तों का एहसास दिलाती है वहां रब की मोहब्बत हमें उनका गुलाम नहीं बनाती इंसान को इबादत में रब की मोहब्बत इत्मीनान दिलाती है आपको मैंने इस टॉक के शुरू में जो तिलावत सुनाई कारी अबू उसामा की वो सूरत तकवीर की थी और मैंने उसको सेकंड लास्ट आयत जहां पर रोका है वो था जब रब बहुत मोहब्बत में कहता है फ कहाँ जा रहे हो कितनी मोहब्बत छलकती है जब अल्लाह ताला कुरान में ये अल्फ़ाज़ मेंशन करते हैं फ़ाइना आई नजून जा रहे हो जैसे माँ बच्चे को गलत रवैये पर देखती है तो कहती है बेटा sake, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो बिल्कुल आप अपने बच्चों से ऐसे ही पूछती हैं ना अल्लाह के इस कलाम में फ आई हम जिंदगी में परेशान हैं हम जिंदगी में यहाँ से वहां कॉन्स्टेंटली बच करते रहते हैं परेशान होते रहते हैं लेकिन वो जो शफकत है ना वो आपको फ आई में नजर आ रही है अल्लाह की मोहब्बत हमें इस बिखरी हुई दुनिया के अंदर इस अनसर्टन दुनिया के अंदर एक बहुत काम पोजीशन पर ला सकती है आज कन्फ्यूजनस का दौर आज फितनाए दजालियत अपनेज पर हमारे लिए अब तक की पिछली जिंदगी के मुकाबले में अपने ज पर आज हमारे लिए अपने अपनेज पर आज हमारे लिए औलाद की तरबियत अपने ूज पर आज आज हमारे लिए दीन पर अमल एंड साइमल्टेनियसली अखलाक को थामना इज़ वेरी चैलेंजिंग ये अपनी जगह एक हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तहान ऐसे में हम घबराते हैं तो घबराएं नहीं अल्लाह कुरान में कहते हैं फ आयून घबराना नहीं है उसकी तरफ वापस आए उसकी मोहब्बत को थामे उसकी खातिर अपने आप को मजबूत करें ताकि आप अपना बेहतर इम्पैक्ट इस दुनिया में छोड़ सकें सो so बेसिकली हमारा मकसद इस कोर्स को आप तक इंट्रोड्यूस कराने का वो ये है कि हमें क़ुरान से जुड़ने का एक लिंक मिल जाए अल्लाह के कलाम को समझने का एक स्टेप लेवल वन सिर्फ पहली सीढ़ी हम उस पर आकर खड़े होंगे अभी कोई इसका फर्स्ट डे नहीं है अभी कोर्स शुरू नहीं हुआ है कोर्स जो है वो अगस्त के फर्स्ट वीक से शुरू होगा वंस अ वीक क्लास होगी आपको क्लास uh, की रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी जो आप पाँच से छह दिन में अपनी कन्वीनियंस पर कभी भी सुन सकेंगी लाइव क्लास नहीं होती है मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भेजूंगी और फिर जो भी डिटेल होगी जो आपका होमवर्क होगा जो उसके प्री रिक्वेड्स हैं वो आपको मैं जब यहाँ लिंक भेजूंगी तो आप उसको पढ़ सकते हैं लेकिन इस वक्त आपको एक बात मेरी इस पूरी गुफ्तगु से याद रखनी है एक वट शुड बी द मोटिवेशन टू डू दिस कोर्स अल्लाह की मोहब्बत और ये अल्लाह की मोहब्बत इसलिए नहीं कि मैं बड़ी आलिम बन जाऊं फाजिल बन जाऊं तर्जुमा करना शुरू कर दूं, नहीं ना मैंने कभी कुरान का अरबी ग्रामर का कोई कोर्स कभी इस नीयत से किया कि मैं खुद तर्जुमा करके अपना प्रिंट कराऊंगी मुझे जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदुल्लाम जो काम कर चुके हैं वो अपनी जगह मौजूद है मैं अरबी ग्रामर इसलिए सीखती हूँ और सिखाती हूँ ताकि जो काम स्कॉलर्स करके जा चुके हैं हम उसको समझ सकें और इस अरबी ग्रामर को अल्लाह का नाम लेकर कोर्स की शक्ल में जिसका टाइटल मैंने तसील अभी रखा है वन पार्ट ऑफ ग्रामर पकड़ा है मैं नाउन का पार्ट कितने चंक्स में कराऊंगी और कितने लेवल में कराऊंगी अभी ये मैंने डिसाइड नहीं किया इसलिए कि इस वक्त अभी हमने लेवल वन का सेकेंड बैच ऑफर किया है लेवल टू हमारा जो है वो इस वक्त रोलिंग में है क्योंकि हम साथ क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं तो अभी हमें नहीं पता कि हम इसम को कितने लेवल्स में पढ़ाएंगे अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका स्लो एंड स्टडी की पेस पर जिंदगी में तालीम हासिल करते हुए अपने अखलाक और मामलात को बेहतर करने का मोटिवेशन है दो यू सो यू कैन ज्वाइन विद मी अगर आपको लगता है कि छः महीने में क्रैश कोर्स और आपको इतना अल्फाज आ जाएंगे और आप पूरा कुरान खुद तर्जुमा कर लेंगी, clearly, मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं करती हूँ जब आप ये कहें कि हम फिफ्टी आवर्स में सिक्सटी आवर्स में एटी आवर्स में आपको इतनी ग्रामर सिखा देंगे सो प्लीज डोंट ज्वाइन माई कोर्स बिकॉज मैं जल्दबाजी में ना पढ़ाती हूँ और ना मैं ना जल्दबाजी में पढ़ने की आदे हूँ वो जो मेरी जुबान ईमान, दिल की सफाई और अखलाक का अमल का हिस्सा बने मैं एक बाल्टी भर कर चालीस घंटों में इल्म की अपने सर पर उंडेल दूं और मेरे इस माथे पर एक सर्टिफिकेट आ जाए और मेरे अमल में उसका कहीं दूर दूर तक कोई किसी किस्म का जो है वो रिफ्लेक्शन नजर ना आए आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच कोर्स हो सकता है आप में से कुछ बहनों के पास टाइम लिमिटेशन हो और आप कहें कि नहीं मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो छे महीने में कोर्स करना है सो so प्लीज आप फिर बहुत से और प्लेटफॉर्म्स हैं आप वहां चले जाएं आप उनको ज्वाइन कीजिए लेवल टू में एडमिशन इस वक्त नहीं मिलेगा लेवल टू इस वक्त रोलिंग में है एक दफा एडमिशन बंद हो जाता है फिर हम एडमिशन दरम्यान में नहीं देते वी हैव सर्टन इंस्टीट्यूट पॉलिसीज सो आप लेवल टू आप उस वक्त ज्वाइन कर सकेंगी जब हम उसका बैच टू ऑफर करेंगे अभी आपके पास चांस है तामीर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आपको लेवल वन का बैच टू ऑफर हो रहा है कल इसके एडमिशन की लास्ट डेट है आप प्लीज पहले सारी डिटेल पढ़िएगा उसके बाद आप फॉर्म फिल कीजिएगा वंस यू विल फिल द फॉर्म इट मींस यू आर अंदर कमिटमेंट विद अस देन यू हैव टू फॉलो व्हाट वी विल से सो बहुत सोच समझकर कर कमिटमेंट कीजिएगा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मैं बार बार कह रही हूँ प्रीरिक और कोर्स आउटलाइन पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि बाद में आप हमें ये ना कहें आपने बताया नहीं था आपने कहा नहीं था हमने सब कुछ लिख दिया है बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से और जो बहनें नहीं ज्वाइन कर सकती कोई परेशानी की जरूरत नहीं है मकसद होता है अल्लाह की मोहब्बत वही बात चाहे वो कोर्स ज्वाइन करके मिले चाहे वो सिर्फ ऑडियो व्हाट्सएप की सुनकर मिले चाहे वो सिर्फ फेसबुक लाइव सेशन सुनकर मिले सो so, आपको समझें ये कोर्सेस ऑफर करने का एक बेस्ट मकसद ये है कि पेंडेमिक ने जहां हम सबको फिजिकल बहुत सी एक्टिविटी से डिटैच कर दिया वहां अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऑनलाइन सेटअप में बहुत से रास्ते खोल दिए सो नंबर वन इल्म आगे पहुंचाना एक मकसद है अ लोगों को ग्लोबली अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में कहीं पर भी आप हैं आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ग्लोबली लोगों को आ, इस इल्म से जोड़ना जिनके पास वक्त है जो कमिट कर सकते हैं ये मकसद है अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ना मकसद है जिंदगी में क्वालिटी महसूस करना मकसद है जिंदगी में कन्फ्यूजन्स को पीछे छोड़कर क्लैरिटी गेन करना मकसद है अपने अखलाक को बेहतर करना मकसद है मुस्कुराना सीखना मकसद है बहुत रोते हैं हम इतना रोते हैं इतनी नमतें हैं बट वी आर सो 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 मच So कि हमें अपनी नेमतें आंखों के नीचे नजर नहीं आती ना की और उस ना शुक्री में आपको लेसन भी मिल जाएगा स्टोरी uh, सुनाकर बस फिर मैं इनशाला आपसे इजाजत चाहूंगी और आपको लिंक्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ जाऊंगी स्टोरी ऐसी है कि जिससे आप सब बहनों को इस वक्त अपनी अपनी जिंदगी में आप जहां पर भी इस वक्त बैठे हैं हो सकता है आप अपने फोन पर हो और आप इस वक्त कहीं घर से बाहर हो, हो सकता है आप अपने घर पर हो आप इस वक्त जहां हैं आप जिस शहर में हैं आप जिस मुल्क में मुझे सुन रहे हैं आपके घर में जितने लोग हैं आप मैरिड हैं आप अनमैरिड हैं आपके बच्चे हैं आपके बच्चे नहीं हैं आप आ, आ, आप आप अल्लाह से दुआएं मांग मांगे अल्लाह आपको औलाद नहीं दे रहा है आपकी सिर्फ बेटियां हैं अल्लाह आपको बेटा नहीं दे रहा आपके सिर्फ बेटे हैं अल्लाह ने आपको बेटी नहीं दी एंड यू आर यू आर फीलिंग यूर से मेरी बेटी नहीं आप जिस सरकम में भी हैं मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊ बिल्कुल छोटी सी स्टोरी शायद आपने बचपन में अपनी अम्मी से सुनी भी हो लेकिन ये स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ पता है क्या है कभी अपने आप को नेमतों से खाली ना महसूस करें दुनिया में कोई मखलूक ऐसी नहीं है जिसके पास शुक्र करने के लिए उस वक्त कोई नेमत ना हो और इंसान इंसान के पास तो इतनी साइमल्टेनियसली एक वक्त में नेमतें होती हैं कि वो तो ना शुक्री करने की कैपेसिटी में आ ही नहीं सकता हम्म अच्छा जी सो so, कहानी क्या है अच्छा कहानी यह है कि एक कौआ था अब सबको पता है कौवा कैसा होता है कौआ पता है ना किस रंग का होता है कौआ हाँ अब यह मत कहिएगा किस रंग का होता है आयशा? कौआ काले रंग का होता है तो एक कौआ था अब कहानी है अब ये मत कहिएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कहानी में कुछ भी हो सकता है और कहानी से सबक लिया जाता है जो अरेबिक ग्रामर के मैं कोर्सेज कराती हूँ में जैसे अभी बात कर रही हूँ ठीक है सो अब मेजोरिटी कोर्स कंटेंट उर्दू में बोल रही होती हूँ बट तो कभी कभी इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं सो बी मेंटली प्रिपेयर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद बाई देन ज्वाइन माय कोर्स असाइन वर्कशीट जो आती हैं वो उर्दू में नहीं आती हैं सवाल उर्दू में लिखा होता है बट जो आपको वर्कशीट अटेम्प्ट करनी होती है वो अरेबिक में डिमांड होती है मैं टर्मिनोलॉजी अरेबिक में सिखाती हूँ सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप जब जवाब देंगी तो जो मैं क्लास में स्लाइड से आपको पढ़ाऊंगी उन स्लाइड से जो आपने नोट किया है उसी अरेबिक में जवाब देंगे सो कमिंग बैक ऑन माई कहानी कौआ किस रंग का होता है यस कौआ फॉर ऑल ऑफ योर इंफॉर्मेशन काले रंग का होता है अच्छा जी तो एक जंगल था और वहां दरख्त पर एक कौआ बैठा हुआ था कौआ रो रहा था बहुत रो रहा था पास से उस दरख के पास से एक बुजुर्ग गुजरे उन्होंने कौए से पूछा कि क्यों रो रहे हो क्या हुआ तो कौ ने उनसे कहा कि ये भी भला कोई जिंदगी है मेरी काले रंग का को, कोई कोई खूबसूरती नहीं है और को, कोई कोई इंसान मुझे पसंद ही नहीं करता है जिसको देखो पास आकर बैठता हूं तो उसको मुझे हुश हुश करके उड़ा देता है और कोई मुझे पालता भी नहीं है यानी कोई मुझे पेट भी नहीं रखता अपने पास और को, कोई किसी किस्म का जो है वो मेरे साथ मोहब्बत का इजहार नहीं करता हर कोई मुझसे खिंचा खिंचा रहता है अब ये कौवा है अब जरा कौ के कमेंट्स पढ़ें और जरा आसपास को छोड़ दें राइट लेफ्ट को छोड़ दें अपने अपने आप को सोचें हम्म बिल्कुल कुछ मिलते जुलते कौ से मिलते जुलते हमारे भी कमेंट्स नहीं होते हुँ, हुँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता कोई मुझसे बात नहीं करता कोई जो है वो मेरे साथ बैठना नहीं चाहता कोई मुझसे अपनी बातें फीलिंग्स शेयर नहीं करता मिल रहा है ना कहानी हमसे मिल रही है एनी हाउ तो कौवा जो था वो बड़ा डिस्ट्रेस में था और रो रहा था और उस जो बुजुर्ग थे उन्होंने इसकी बात सुनी जब पूछा कि भाई तुम्हारे साथ क्या मसला है तो उसको बेचारे को यही सारे कंप्लेट थे कि ये भी कोई रंग है मेरा ब्लैक कलर का खाली कोई अट्रैक्शन नहीं है कोई बात नहीं करता कोई पेट नहीं रखता तो अब इन बुजुर्ग ने पूछा कि अच्छा तो ये बताओ कौए की तुम जिंदगी में क्या बनना पसंद करोगे अगर तुमको कोई चांस दिया जाए तो कौवा बोला कि अच्छा अगर मुझे चांस मिले ना तो मैं ना हंस बनना ब्यूटिफुल वाइट स्वैन बनना चाहूंगा जबरदस्त सफेद रंग का बनना चाहूंगा सब देख कर जो है एडमायर करें तो वो जो बुजुर्ग थे ना उन्होंने कहा कि अच्छा तुम एक काम करो तुम ना जंगल में जाओ और ढूंढो के हंस है, और जरा एक दफा हंस से मिलकर आ जाओ फिर आकर मुझे बताना कि तुम्हारी और हंस की मुलाकात कैसी रही तो मैंने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है मैं अभी गया और अभी आया मैं जाता हूं हंस के पास और उससे मिलकर आता हूं अब कौआ गया उसने हंस को ढूंढना शुरू किया उसको एक पॉन्ड के पास जो था वो वाइट स्वैन मिल गया वो कौआ उसके पास आया और उसके पास बैठ गया और कहने लगा देखो हंस क्या जबरदस्त तुम्हारी जो है वो लुक्स हैं क्या तुम्हारी खूबसूरत जिंदगी है हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है मजे से तुम पानी में रहते हो पानी के ऊपर फ्लोट करते हो कितना खुश रहते हो ना तुम यू मस्ट बी वेरी हैप्पी हंस ने उसकी शकल तरफ देखा बिल्कुल जैसे आप कभी कभी टेढ़ी नजरों से अपने किसी बहन या भाई को या अपने स्पाउस को देखती होंगी तो हंस ने उसको देखा और उससे पूछा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कौए ने कहा क्या मतलब तुम खुश नहीं हो हंस बोला लो भला ये मेरी भी कोई जिंदगी है ये भला मेरा भी मेरा भी कोई रंग है भला मेरी भी कोई लुक्स है बिल्कुल भक सफेद प्लेन वाइट लोग सिर्फ जो हैं वो अ, मेरी तस्वीर खींचने के लिए मेरे करीब आते हैं और बस चले जाते हैं उसके बाद तस्वीर खींचते हैं और तस्वीर भी खींचते हैं तो मालूम ही नहीं होता कि कोई रंग ही नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल प्लेन वाइट हो ये भी भला कोई जो है लुक्स हुई तो कौवे ने पूछा अच्छा इसका मतलब है तुम खुश नहीं हो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं भला ये भी मेरी कोई लुक्स है प्लेन वाइट तो कौवे ने पूछा कि अच्छा अगर तुमको चांस मिले तो तुम जिंदगी में क्या बनना चाहोगे हंस ने कहा आई वुड लाइक टू बी अ पैरट मैं चाहूंगा कि मैं तोता बन जाऊं कलरफुल प्यारी आवाज में बोलने वाला इनफैक्ट इंसानों की जुबान सीख जाने वाला लोग उसको पेट के तौर पर रखते हैं लोग उसको चूरी बना बनाकर खिलाते हैं लोग उसको क्या कुछ अपने घर में कंफर्टेबल पिंजरों के अंदर के उसको क्या कुछ प्यार नहीं देते तो कौवे ने सोचा कि अच्छा ऐसा करता हूँ तोते से मिलकर आता हूँ कौवा फ्लाई करना शुरू किया जंगल में उसने एक तोते को ढूंढा और तोते के पास आकर बैठ गया अब आकर तोते की तारीफ करने लग गया दोनों अच्छा हंस भी साथ में आ गया उसने कहा कौवे ने कि तुम भी साथ में आ जाओ हम दोनों मिलकर कौवे के पास तोते के पास चलते हैं अब फाइनली दोनों को जब उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको तोता मिला बाय द वे बिकॉज जंगल भी ग्रीन और तोता भी ग्रीन तो बड़ी मुश्किल से कौे को और हंस को ना तोता मिला जब तोता मिला तो दोनों उसके पास आकर बैठ गए और काफी देर ढूंढने के बाद आए थे ना तो फाइनली जब मिला तो पूछा कौवे ने पूछा तोते से भाई तुम्हारी भी क्या जिंदगी है कितनी खूबसूरत हो कितने कलरफुल हो कितने खुश रहते हो गे ना तोते ने कहा तुमसे किसने कहा कि मैं खुश रहता हूं कौवे और हंस ने पूछा हेलो तुम्हें क्या तकलीफ है तो तोते ने बोला लो भला मेरा भी कोई रंग है कैमोफ्लाज कर जाता हूँ पत्तों के अंदर ग्रीन पत्ते ग्रीन मेरा कलर नजर भी नहीं आता अगर कोई मेरी तस्वीर खींचता है तो पत्ते ज्यादा नजर आते हैं और मैं कम नजर आता हूँ और लोग मुझे उठा पकड़ पकड़ कर जो है वो पिंजरों में बंद कर देते हैं फिर जबरदस्ती मुझे बोलना सिखाते हैं इतना जबरदस्ती करते हैं कि मुझे बोलना सीखना ही पड़ता है तो मैं कोई अपनी जिंदगी से खुश नहीं सो तो आपको बताने का मकसद क्या है अब तोता हंस और कौआ तीनों उस बुजुर्ग के पास आए कहानी है और कौे ने कहा कि ना मैं खुश हूं ना हंस खुश है ना तोता खुश है तो उन बुजुर्ग ने उन तीनों को समझाया कि रब ने जिसको जैसा बनाया है दैट क्रिएशन शुड बी ग्रेटफुल टू द रब कौवे को कौवे होने पर राजी होना चाहिए हंस को हंस होने पर राजी होना चाहिए और तोते को तोता होने पर राजी होना चाहिए और इंसान को इंसान होने पर राजी होना चाहिए जी हाँ so this is a short simple story but it has tremendous lessons बिल्कुल इसी तरह से आप आज का करें कि आपके पास जिंदगी है आपके पास सांसें हैं आपके पास सेहत है आपके पास अपने हैं आपके पास रिसोर्सेज हैं आपके पास रब की मोहब्बत है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो जरूर कोर्स ज्वाइन कीजिए खुशी खुशी ज्वाइन कीजिए मेरा तहसील नहाफ़ अरबिक ग्रामर पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अरबिक नहीं पढ़ाती बल्कि मैं क्लास को शुरू करने से पहले इसी तरह से कभी कोई कहानी कभी कोई इंस्पिरेशन कभी अरबिक लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस कभी किसी हर्फ की अहमियत किसी हर्फ का कभी गहराई में एनालिसिस में ज़रूर समझाती हूँ सो देर विल बी ओनली ट्वेंटी सिक्स टोटल क्लासेस इस छः महीने के कोर्स में हफ्ते में एक दिन क्लास होगी ट्यूसडे वाले दिन आपको हम क्लास भेजा करेंगे हफ्ते में एक आपको होमवर्क मिलेगा वर्कशीट की शक्ल में जो आपको गिवन टाइम के ऊपर ही सबमिट कराना होगा पूरे छः महीने के कोर्स के अंदर हर स्टूडेंट सिर्फ दो हफ्ते का ब्रैकेट लेट सबमिशन का ले सकता है थर्ड अगर उसने अपना दो दो हफ्ते का कभी भी एक जगह पर दो हफ्ते या तो हमसे छुट्टी ले ली कि मैं दो हफ्ते के बाद जमा कराऊंगी या उसने स्टैगर करके दो हफ्ते अवेल कर लिए सो ऑन थर्ड लेट सबमिशन हम उसके नंबर काटते हैं अगर उसने फोर्थ भी लेट कर दी देन शी विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द कोर्स सो एवरी थिंग इज रिटर्न इन आर कोर्स ग्राउंड रूल्स तसली से पढ़िए अगर आप हमारे साथ कमिटमेंट कर सकते हैं तो ज्वाइन कीजिए सारी डिटेल वहां मौजूद है सारी इंफॉर्मेशन वहां मौजूद है अभी आपको यहाँ पर लिंक दे डाल दूंगी आराम से बैठकर पढ़ें, टुमारो इज द लास्ट डे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम रात 12 बजे तक आप, आप अपनी फीस फॉर्म रजिस्ट्रेशन ई मेल करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए सो यू विल बी इन फॉर द कोर्स आफ्टर द डेड लाइन नो वन विल बी एंटरटेन फॉर द कोर्स एडमिशन बिकॉज देखिए जब इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं तो उसकी पीछे बैक एंड एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं सो so मैंने आज लाइव सेशन खास तौर पर इसलिए किया था कि बहुत ज्यादा क्योरीज आ रही थी और मुझे अपना मैसेंजर देखने का टाइम नहीं मिल रहा सो so तो आप तसली से मैं जब आपको लिंक्स भेजूँ तो आप उनको पढ़ लीजिए ये सिर्फ अरबिक ग्रामर का कोर्स है फॉर तजवीद यू कैन जॉइन एनी अदर इंस्टीट्यूट तामीर जो है वो आपको इन डेप्थ स्टडीज कराता है uh, हम इन डेप्थ स्टडी के कोर्सेज ऑफर करते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ग्रामर के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उलूमुल कुरान का भी एक कोर्स ऑफर किया है एंड फ्यूचर में वी हैव अ प्लान टू ऑफर मोर कोर्सेज ऑफ उलूमुल कुरान अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत जो है वो नसीब फरमाए अल्लाह हम सब की मुश्किल को दूर फरमाए अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी में शुक्र गुजार बनाए अल्लाह ताला हमारे लिए दीन का इल्म हासिल करना, अपने अखलाक को बेहतर करना अपने मामला को संवारना आसान बनाए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें लाइव फेसबुक सेशन इन फॉर एवरी वन थर्सडे को है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम तीन बजे सी यू सून السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاك الله خيرا